हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर नंबर 27 एंड पेज नंबर 161। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द साइज ऑफ सोइंग फील्ड्स। द साइज ऑफ प्लफेबल फील्ड्स इज वेरी स्मॉल एंड इज नॉट इनफ टू फुलफिल द एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। ट्राइबल्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। दीज रीजंस आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। द साइज ऑफ फील्ड्स इज नॉट सिमिलर ऑल ओवर द कंट्री। तो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो हमने देखा कि जो ट्राइब्स होते हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर बेस्ड होते हैं और वो ज़्यादातर जूमिंग खेती करते हैं। अब जो उनके सोइंग फील्ड्स हैं उनका साइज क्या होता है? तो जो ट्राइब्स होते हैं उनकी जो एग्रीकल्चर होती है उसका आकार छोटा होता है और यह सिर्फ एक परिवार के जो भरण पोषण है उन्हीं की जरूरतों को पूरा कर पाता है और जीवन यापन के लिए वो जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं। मेन क्रॉप्स। ट्राइबल पीपल लिव इन हिली एंड अनइवन रीजंस। सच रीजंस इज नॉट वेरी फर्टाइल। द क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर रागी, कोदो, कुटकी, मिलेट, बार्ले एंड राइस। ट्राइब्स होते हैं उनकी जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो है रागी, कोदो, कुटकी, मिलेट, बार्ले और ये बहुत पौष्टिक भी होती हैं। गवर्नमेंट 5-year प्लान्स हैव ट्राइड टू प्लान टू ब्रिंग अबाउट अ राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, बट दे यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वूडिंग प्लफ एंड रिफ्यूज टू यूज मैनर एंड मॉडर्न ट्रीटेड सीड। The tribals do not lag behind in handicrafts. We all know about their talent in making toys. They make toys of ox, bullock carts with earthen wheels, dishes, etc. The women collect various types of grasses to make ropes and baskets. They work in the fields and also in the jungles. They collect honey, dry fruits, fruits, etc. from the jungle and sell it in the market. They also make the shawls, blankets, bags, woolen cloths, etc. on handlooms, which is in great demand in the cities. In the field of education, the government has made provision of Kanya Siksha Ashram, Kanya Matriculation Hostel, Balika Ashram, Salas, etc. for the tribal girls. So today, due to economic and social development and the government policies, there is a lot of change in the tribal men and women. तो गवर्नमेंट ने जो ट्राइब्स होते हैं इनके एग्रीकल्चर की प्रोसेस को चेंज करने के लिए और उसे ज़्यादा प्रोडक्शन उन्हें प्राप्त हो सके इसके लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन जो ट्राइब्स होते हैं वो अपने पुराने तरीके से ही एग्रीकल्चर करना पसंद करते हैं। ये सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं करते हैं, बाकी इनको हस्तशिल्प में भी ये पीछे नहीं है। इसके साथ साथ ये टॉयज भी बनाते हैं। जो वीमेन होती हैं वो रोप्स और बास्केट बनाती हैं जंगल से फ्रूट्स और जो हनी है और ड्राई फ्रूट्स ये सारे कलेक्ट करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। इसके साथ साथ वो शॉल, ब्लैंकेट्स, बैग्स और भी बहुत सारे हैंडलूम की आइटम बनाते हैं जिनकी सिटीज़ में बहुत डिमांड होती है। आज गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चला रखे हैं जिससे कि जो ट्राइब्स गर्ल्स हैं इनको फ़ायदा हो सके, जैसे कन्या शिक्षा है, आश्रम है, कन्या मैट्रिकुलेशन हॉस्टल है और भी बहुत सारे। तो गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, इनसे जो ट्राइबल मैन और वीमेन हैं इनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है और इनकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो है वो डेवलप हो गई है। चिल्ड्रन, टुडे वी विल ऑल्सो डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 27। नाउ फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। फॉर देयर फूड द ट्राइबल पीपल डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द ट्राइबल ऑफ ओडिशा रिसाइड इन कोरापुट, मयूरभंज। नेक्स्ट, द म्यूजियम ऑफ मैन ऑफ एमपी सिचुएटेड इन भोपाल। नेक्स्ट, द हैंडीक्राफ्ट आइटम्स विच इज इन ग्रेट डिमांड इज शॉल, ब्लैंकेट्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। वन ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब ऑफ बिहार इज नोन एज कहार। नेक्स्ट, द ट्राइब ऑफ अंडमान्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स नोन एज ओंग एंड जरावा। नेक्स्ट, द मेजर ट्राइब ऑफ आंध्र प्रदेश इज चेंचोस। नेक्स्ट, जनरली वीमेन डेकोरेट देयर बॉडीज विथ टैटूज।
Now match the column. First, Gujarati tribes sew naikada. Second, work of women, ropes, basket making. And Bhil and Bhilala, Madhya Pradesh tribes. Short answer type questions. What is tribal culture? तो चिल्ड्रन इसमें सबसे पहले आपको ट्राइबल बताना पड़ेगा कि ट्राइब्स क्या है, फिर उनका कल्चर बताना पड़ेगा. तो चिल्ड्रन दिस इज पेज नंबर 158. हियर इज द आंसर. सबसे पहले ट्राइब लिखेंगे आप कि ट्राइब क्या होते हैं. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक. पहले डालेंगे टॉपिक ट्राइब और फिर लिखेंगे वी कैन आइडेंटिफाई ट्राइब्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ से लेकर के सेम ग्रुप यहाँ तक. इसके बाद उनका कल्चर लिखेंगे. कल्चर पेज नंबर 159 में लिखेंगे द ट्राइबल कंसीडर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ नेचर एज अ गिफ्ट ऑफ देयर गॉड. फिर इसके बाद आप यहां से लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्राइब्स इज देयर कम्युनिटी लाइफ. दे डू मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन ग्रुप. सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल एंड अदर सोशल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स. अलोंग विद दिस देयर इंटरनल डिसिप्लिन एंड सेटअप आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द वीमेन फोक ऑफ ट्राइब एडॉर्न देमसेल्फ विद अट्रैक्टिव ऑर्नामेंट्स, यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द एरियाज इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल ऑफ इंडिया. सो दिस आंसर इज इन पेज नंबर 159 एंड 160. चिल्ड्रन अलग अलग एरियाज आपको लिखना है तो आप ये भारत के एरिया आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश. फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं बिहार एंड झारखंड, देन गुजरात, देन उड़ीसा, देन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, then Andaman and Nicobar and Nilgiri mountains, और उसके बाद फिर ये लिखेंगे and also live in the northern state of Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, अरुणाचल प्रदेश. तो आपको यहां तक लिख लेना है अरुणाचल प्रदेश, यहां तक. पहले अलग अलग लिखेंगे स्टेट और उसके बाद फिर ये यहां से ये अरुणाचल प्रदेश यहां तक. So children, this is page number 161 and here is the tribals are mostly dependent on forest produce for their fulfillment of their needs. और उनका food लिखना है तो ये भी आप लिखेंगे that tribal people live in a hilly and uneven region. Such region is not very fertile. The crops cultivated are ragi, kodo, kutki, millet, barley and rice, etc. Next question. The Pekan tribe belong to Nilgiri mountains. Long answer type questions. Describe the regional tribes of India. ये अभी हम कर चुके हैं यहाँ पर short answer में, तो ये question आप नहीं करेंगे. Next है explain about the tribes of Madhya Pradesh. This answer is in page number 159. इसको आपको यहाँ से start करना है. The landscape of Madhya Pradesh and Chhattisgarh are very colorful. यहाँ से लेकर के सहरिया etc. यहाँ तक. Now next and last question, explain the occupation of the tribal women and their dependents. This answer is in page number 161. This is page number 161 and here is the answer given. The women collect various types of grasses, यहाँ से लेकर के ये in the market यहाँ तक, और फिर they also make shawls यहाँ से लेकर के demand in the cities यहाँ तक आपको लिखना है. Children, here is your chapter number 27 is finished. And in the next video, we will start chapter number 28. So complete your fair copy up to chapter number 27.